तो बच्चों इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जो पापा थे वे आइसक्रीम वाला और संटी करने वाला दोनों बनना चाहते थे। उसके बाद कई दिनों बाद जब ये बात सुनी उनके माता पिता ने तो सभी हंस पड़े। इस पर क्या हो गए पापा बहु नाराज हुए। उसके बाद पापा ने वायुयान चालक बनने की भी सोची। वायुयान चालक यानी कि हवाई जहाज यानी कि पायलट बनने की सोची और जहाजी जो पानी में जहाज चलाते हैं वो बनने की सोची। उसके बाद उन्होंने चरवाहा और अभिनेता बनने की भी सोची। तो चरवाहा क्या होता है? चरवाहा जो गाय बच्चों को भेड़ बकरियों आदि को चराते हैं उनको क्या बोला जाता है बच्चों? चरवाहा बोला जाता है। चरवाहा बनने की और अभिनेता कलाकार वो बनने की सोची। इस तरह से पापा जो है कई चीजें बनने की सोचते रहते। एक बार कई दिन बीत गए। एक दिन पापा ने क्या देखा कि जो है ये देखिए वे परेशान हो गए। लोग उनसे पूछते जाते थे आप क्या बनोगे क्या बनोगे तो वे क्या करते थे अलग अलग उत्तर देते थे। तो इसके बाद कई दिनों के बाद पापा ने सोचा कि इंसान तो मैं बहुत बन चुका हूं अब मैं क्या बनना चाहता हूँ कुत्ता बन के देखता हूँ। उनके घर में एक पालतू कुत्ता था। पालतू यानी कि जिसे घरों में पालते हैं उसे क्या बोलते हैं पालतू बोलते हैं। तो उनके घर में एक पालतू कुत्ता था और वे क्या हो गए कुत्ता बनने की सोच के अपने पालतू कुत्ते के पास जाके बैठ गए। देखिए यहाँ पर पालतू कुत्ता है तो उसके पास वे जाके बैठ गए और कुत्ते की तरह ही उन्होंने भौंकना भी सीख लिया। कुत्ते की तरह भौंकना सीख लिया और क्या करते थे उसके पास ही जाके बैठ गए। लेकिन पापा से जैसे कुत्ता अपने पैरों से अपने कान को खुजलाता है ऐसा नहीं हो पाया। वो कई दिन तक सीखते रहे लेकिन अपने पैर से कान को खुजलाने का अभ्यास नहीं कर पाए। तो जब वो एक दिन कुत्ते के पास बैठे हुए तो एक फौजी अफसर उस रास्ते से गुजरा और उन्होंने पापा को देखा तो पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो पापा का जवाब था कि मैं क्या कर रहा हूँ कुत्ता बनने की सोच रहा। इस पर वो जो फौजी अफसर थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? तो पापा कहते हैं कि मैं इंसान बनते बनते क्या हो गया ऊब गया अब मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। तो उसके बाद फौजी अफसर ने उनसे कहा कि आप सोचो कि आप ये क्या कर रहे हो। उसके बाद भी वहां से वे अफसर जो थे उधर से चले गए। उसके बाद पापा सोचने लगे कि ये अफसर जो है मुझे कोई भी उत्तर बिना दिए चले गए हैं। और धीरे धीरे पापा ने सोचा और बहुत सोचने के बाद अचानक से एक बार उनके मन में विचार आया कि मैं क्या कर रहा हूँ जो भी ये कार्य कर रहा हूँ जितनी भी चीजें मैं सोच रहा हूँ ये क्या है सही नहीं है। मुझे जो है अपना निर्णय बार बार नहीं बदलना चाहिए अपना फैसला क्या नहीं करना चाहिए अपना जो इरादा है उसको बार बार मैं ऐसे नहीं बदल सकता हूँ। और अंत में पापा की समझ में आ गया कि मुझे क्या बनना चाहिए एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। और उस दिन के बाद पापा के अलग अलग उत्तर नहीं होते थे। उनकी समझ में आ गया था कि मुझे क्या बनना है सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। तो बच्चों अच्छा इंसान क्या होता है? अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों पर दया करे समझदार हो और गरीब दीन दुखियों को देख के जो दया करे वो क्या है एक अच्छा इंसान। तो देखिए बच्चों ये पिक्चर जो है इसको आप अगर इस तरह से आप इस पिक्चर को बनाएंगे तो आप पूरे लेसन को समझ जाएंगे। आपको चैप्टर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या था जो पापा थे चौकीदार बनने की सोची। उसके बाद उन्होंने आइसक्रीम वाला बनने की सोची आइसक्रीम के ठेले को देख के। उसके बाद वे संटिंग करने वाले बने। संटिंग यानी कि रेलगाड़ी की साफ सफाई करने के बाद उनमें जो भी गंद पानी भर के दूसरे स्टेशन भेजा जाता है वो करने वाले बने रेलगाड़ी की साफ सफाई करने। उसके बाद उन्होंने कुत्ता बनने की सोची और अंत में वे क्या बने अंत में उन्होंने फैसला किया अपना कि मैं क्या बनूंगा सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनूंगा। तो बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे और उसके बाद आपके एक क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है शुरू शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? इसका आंसर है शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। सेकंड क्वेश्चन है संटिंग किसे कहते हैं? रेलगाड़ी जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाती है तब उसकी साफ सफाई की जाती है उसमें ईंधन
इधर पानी भरा जाता है उसे ही क्या कहते हैं संधि कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन बना अंत में पापा ने क्या बनने की सोची। अंत में पापा ने एक अच्छा इंसान बनने की सोची। ये आपके क्वेश्चन इसी तरह से आप और क्वेश्चन भी इसमें बना सकते हैं और ये आपके इसके शब्द अर्थ है। अक्सर मीन्स होता है रोज या प्राय हैरानी आश्चर्य अड़े रहे टिके रहे अचंभा आश्चर्य वक्त समय इरादा इच्छा समस्या परेशानी जवाब उत्तर अजनबी अनजान। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।